हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, दिस इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह सी माने वह अर्थात मेरी दादी वाज टेकन इल बीमार पड़ गई थी। वाज टेकन इल अर्थात बीमारी हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह सी माने वह वाज टेकन इल वह बीमार पड़ गई। इट वाज द माइल्ड फीवर हल्का फुल्का बुखार था। इट वाज माइल्ड फीवर हल्का फुल्का बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस और डॉक्टर ने हमें बताया दैट कि इट वुड गो यह चला जाएगा अर्थात यह जो बुखार है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर किंतु मेरी दादी का थॉट माने विचार था डिफरेंटली माने अलग। किंतु मेरी दादी का विचार अलग था अर्थात किंतु मेरी दादी अलग तरीके से सोच रही थी। सी टोल्ड अस उन्होंने हमें बताया दैट कि हर एंड वॉज नियर। सी टोल्ड अस उन्होंने हमें बताया कि हर एंड वॉज नियर उनका अंत निकट है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. But my grandmother thought differently. किंतु मेरी grandmother का जो विचार था वो अलग था। सी टोल्ड अस उन्होंने हमें बताया दैट कि हर एंड वॉज नियर उसका अंत निकट था। सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स केवल कुछ घंटे हैं अर्थात बचे हुए हैं बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ उनके जीवन के अंतिम अध्याय को ख़त्म होने से पहले केवल कुछ घंटे बचे हुए हैं। और सिंस चूँकि उन्होंने हैड ओमिटेड माने वह भूल गई थी अर्थात उन्होंने लोप कर दिया था टुपरे माने प्रार्थना करने के लिए। मतलब यहाँ ये है कि उन्होंने हमें बताया कि हर एंड वॉज नियर उनका अंत निकट है। सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने प्रार्थना करना भूल गई अर्थात वह प्रार्थना करना भूल गई और उनके जीवन के अंतिम अध्याय के बंद होने से पहले ओनली अ फ्यू आवर्स केवल कुछ घंटे हैं। इसलिए वह बर्बाद करने वाले नहीं है नष्ट करने वाले नहीं है एनी मोर टाइम माने और अधिक समय टॉकिंग टू अस माने हमसे बातचीत करके। इसलिए वह हमसे बातचीत करने में और भी अधिक समय बर्बाद करने वाली नहीं थी। वी प्रोटेस्टेड हमने विरोध किया हमने मना किया कि ऐसा मत करो आपका तबीयत खराब है आपका कोई अंत निश्चित नहीं है। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स किंतु उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। सी लेट गई पीसफुली शांति के साथ इन बेड माने बिस्तर पर प्रेइंग माने प्रार्थना करते हुए वह प्रार्थना करते हुए बेड पर शांतिपूर्वक लेट गई। एंड टेलिंग हर बीड्स अर्थात वह अपने बिस्तर पर लेट गई और वह प्रार्थना कर रही थी और टेलिंग हर बीड्स बीड माने होता है माला का जो दाना होता है जिसको जपते हैं लोग और टेल माने फेरना और अपने माले के दाने को टेलिंग फेर रही थी। Even before we could suspect, हम संदेह कर सकते
उससे पहले ही, इवन बिफोर माने पहले ही, वी कुड सस्पेक्ट, हम संदेह करते उससे पहले ही, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, हर लिप्स उनके होंठ मूविंग हिलने स्टॉप्ड माने बंद हो गए, उनके होंठ हिलने बंद हो गए, अर्थात उनका होंठ जो हिल रहा था, मूव कर रहा था, वो बंद हो गया। एंड द रोजरी और माला फेल माने गिर गया, फ्राम हर, हर माने उनके, लाइफलेस माने निर्जीव फिंगर्स माने उंगलियों, फ्राम माने से, और माला उनके निर्जीव उंगलिये से नीचे गिर गया। द पीसफुल पैलर स्प्रेड, देखिए पीसफुल माने शांत, पैलर माने होता है पीलापन, पैलर माने पीलापन, पेल पी ए एल ई, पेल माने पीला और पैलर का मतलब पीलापन। अ पीसफुल पैलर, एक शांत पीलापन स्प्रेड माने फैल गया, ऑन हर फेस उनके चेहरे पर, उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन फैल गया। एंड बी न्यू, और हम जान गए, दैट की, और हमें पता चल गया, दैट की सी वाज डेड, वह मर गई थी। अंतिम पैराग्राफ है, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, वी, अब चूंकि हमें पता चल गया कि वह मर गई, तो उसके बाद क्या होता है, आप जैसा कि आप जानते ही हो, एज इज कस्टमरी, एज माने जैसा कि, इज माने है या होता है, कस्टमरी माने रीति रिवाज, जैसा कि रीति रिवाज होता है, वी माने हमने, लिफ्टेड माने उठाया, हर माने उन्हें, लिफ्टेड ऑफ हर बेड, ऑफ द बेड, हमने उनके, उन्हें बिस्तर से उठाया, एज इज कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज है, लेड माने लिटा दिया, हर माने उन्हें, ऑन द ग्राउंड माने जमीन पर, और उन्हें जमीन पर लिटा दिया, एंड कवर्ड और ढक दिया, फॉर हर, हर, एंड कवर्ड हर और उन्हें ढक दिया, विद अ रेड श्राउड, विद अ रेड, रेड माने लाल, एक लाल श्राउड माने कफन, विद माने से, और हमने उठाया और हमने क्या किया, उन्हें ग्राउंड पर लिटा दिया, और एक लाल श्राउड से, कफन से उन्हें क्या कर दिया, उन्हें कवर कर दिया, उड़ा दिया अर्थात उन्हें ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, देखिए मॉर्न, मॉर्न नहीं है मॉर्निंग, ये जो है सुबह वाला नहीं, मॉर्न माने होता है बिलाप करना, दुखी मनाना। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे दुख मनाने के बाद, कुछ घंटे बिलाप करने के बाद, मॉर्न माने बिलाप करना, कुछ घंटे बिलाप करने के बाद, बी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट हर फनरल, फॉर हर फनरल, क्या यहाँ पर, कुछ घंटे मॉर्न बिलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, वी लेफ्ट, हमने छोड़ दिया, हर माने उन्हें, अलोन माने अकेला, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करने के लिए, फार हर फनरल, उनकी दाह संस्कार के लिए, उनकी अर्थी की व्यवस्था करने के लिए, हमने क्या किया, हमने उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया। फिर क्या है, इन द इवनिंग सायंकाल अर्थि शाम के समय में, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए, विद क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड माने होता है भद्दा, स्ट्रेचर माने होता है जिस पर लोगों को लिटा करके लेके जाते हैं, स्ट्रेचर होता है, लेकिन क्रूड स्ट्रेचर दोनों मिल करके यहाँ पर अर्थी या टिट्ठी का भाव दे रहे हैं। इन द इवनिंग शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए, विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक क्रूड स्ट्रेचर के साथ अर्थात एक अर्थी के साथ, टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, टू टेक हर उन्हें ले जाने के लिए, हर माने उन्हें, टू टेक माने ले जाने के लिए, टू बी क्रेमेटेड दाह संस्कार करने, क्रेमेट माने दाह संस्कार करना, टू बी क्रेमेटेड माने दाह संस्कार करने के लिए, टू हर माने उन्हें, टू टेक माने ले जाने के लिए, विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी के साथ, एक टिट्ठी के साथ, इन द इवनिंग शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए, हम उनके कमरे में गए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और उनके रूम को, हैड लिट माने जगमगा रहा था, एंड बरामदा, और बरामदे को, और
उनके रूम, उनके कमरे और बरामदे को हेडलाइट जगमगा रहा था विद अ ब्लेज, विद अ ब्लेज माने आभा से, ऑफ गोल्ड लाइट, सुनहरी किरणों, सुनहरे प्रकाश की, गोल्ड माने सुनहरा और लाइट माने प्रकाश, सुनहरे प्रकाश की आभा से, ब्लेज से उनके कमरे और बरामदे को हेडलाइट माने जगमगा रहा था, जला रहा था। फिर क्या है, वी स्टॉप्ड हाफ वे, वी माने हम, स्टॉप्ड माने रुक गए, हाफ वे माने आधे ही रास्ते में, इन द कोर्ट यार्ड माने आंगन के, हम आंगन में आधे ही रास्ते में रुक गए, मतलब हम आंगन के बीचों बीच रुक गए। जब चिट्ठी ले जाने की बात आई तो यहाँ पर जब आई तो कह रहे हैं कि वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन में आधे रास्ते में ही रुक गए, अर्थात आंगन के बीचों बीच रुक गए। क्यों, उसका कारण बता रहे हैं, ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, ऑल ओवर द बरामदा पूरे के पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम और उनके कमरे में, अर्थात दादी के कमरे में, राइट अप टू हुएयर, ठीक उस समय, ठीक उस जगह, राइट अप ठीक उस जगह हुएयर, जहां सी ले डेड, जहाँ वह ले डेड मरी पड़ी थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन रेड श्राउड, जहाँ वह क्या लाल श्राउड में, लाल कफन में रैप्ड माने लिपटी हुई, स्टिफ माने कठोर, डेड माने मृत, ले माने पड़ी हुई थी। यहाँ ठीक यहाँ बातें आ रही है कि ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, उनके कमरे में और पूरे पूरे बरामदे में, ठीक ठीक उस जगह वेयर, जहाँ सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहाँ ठीक उस जगह जहाँ लाल कफन में रैप्ड लिपटी हुई, स्टिप कठोर, डेड और मृत, ले माने पड़ी हुई थी, है ना, वहाँ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में स्पैरोज चिड़िया, अर्थात गौरैया चिड़िया की बात हो रही है, हजारों की संख्या में चिड़िया क्या सैट माने बैठी हुई थी, स्कैटर्ड माने बिखर करके, ऑन द फ्लोर माने फर्श पर उस जगह, फर्श पर फैली हुई हजारों की संख्या में गौरैया सैट बैठी हुई थी। देर वाज नो चिरपिंग, कोई चींची की आवाज़ नहीं कर रही थी, अर्थात कोई चींची की आवाज़ नहीं आ रही थी, उनके जीवन के काल में जब वह उन्हें रोटियां खिलाती थी तो ये रोटियों के टुकड़े को खाती थी और चींची की आवाज़ करती थी, लेकिन इस समय सब दुखी थी क्योंकि वो उनकी जो मालकिन थी, उनकी जो उदर की पूर्ति करने वाली पालक थी, वह जा चुकी थी, इसलिए नो चिरपिंग कोई किसी भी प्रकार का कोई चींची की आवाज़ नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, वी माने हमने, फेल्ट माने महसूस किया, सॉरी माने दुख, फॉर द बर्ड्स माने चिड़ियों के लिए, हमने उन चिड़ियों के लिए दुख महसूस किया, एंड माई मदर और मेरी माँ ने क्या किया, एंड माई मदर और मेरी माँ ने, फेच माने लाया, और मेरी माँ ले आई, सम ब्रेड माने कुछ रोटियों को, फॉर देम माने उनके लिए, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियों को ले आई। फिर क्या, सी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, सी माने वह, ब्रोक माने उन्होंने, यानी मेरी माँ ने, ब्रोक माने तोड़ दिया, इट माने उसे, इन टू माने में, लिटिल माने छोटे छोटे, क्रम्स माने टुकड़े, यानी उन्होंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, द वे ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी शैली में, माई ग्रांड मदर यानी मेरी दादी के शैली में यूज टू, यानी मेरी दादी जिस प्रकार से, जिस शैली में उसे तोड़ा करती थी, उसी प्रकार से उन्होंने उन रोटी के टुकड़ों को लिटिल माने छोटे छोटे, क्रम्स माने टुकड़ों में, ब्रोक माने तोड़ दिया। फिर एंड थ्रू इट टू देम, और उसे, अर्थात रोटियों के टुकड़ों को, थ्रू माने फेंक दिया, इट माने उसे, अर्थात उस रोटी के टुकड़ों को, टू देम माने उनके लिए, अर्थात उन चिड़ियों के लिए, उन रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों को फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, द स्पैरोज, उन चिड़ियों ने, एक्चुअली यहाँ पर स्पैरो का प्रयोग किया गया, स्पैरो का मतलब होता है गौरैया,
ध्यान दें, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन गौरैयों ने अर्थात उन चिड़ियों ने टुक माने लिया, नो नोटिस कोई भी ध्यान नहीं, ऑफ द ब्रेड माने रोटियों के रोटी के लिए, अर्थात उन चिड़ियों ने उस रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं लिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कार्स ऑफ, जब हमने माई ग्रैंड मदर्स मेरी अपनी मेरी ग्रैंड मदर के अर्थात मेरी दादी के कार्स माने लाश को, कैरीड ऑफ माने लेकर चले, जब हम सब मेरे दादी के लाश को लेकर के चले, कौमा तब दे फ्लू अवे क्वाइटली, दे माने वे फ्लू माने उड़ गई, अवे माने दूर, क्वाइटली माने शांति से या चुपचाप, तब वह शांति से क्या यानी चुपचाप वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द स्वीपर वेप्ट, अगली सुबह द स्वीपर झाड़ू लगाने वाले ने, स्वीपर ने स्वेप्ट माने बाहर करके अर्थात झाड़ू से साफ करके, द ब्रेड माने उस रोटियों के क्रम्स माने टुकड़े को इनटू द डस्टबिन में डाल दिया, अर्थात कूड़ेदान में डाल दिया, यानी सुबह अगले दिन जो सफाई करने वाला था स्वीपर था उसने उन रोटियों के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया, बटोर करके साफ करके उसे डस्टबिन में डाल दिया। ये जो पहले लेसन का अंतिम पैरा था जिसे मैंने आपको पढ़ाया, इससे संबंधित जो नोट है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।